यार ये पाकिस्तान फैंस या तो पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेटर्स को क्या हो जाता है भाई, इनकी जल क्यों जाती है अपने राइवल टीम या तो अपने पड़ोसी टीम्स को अच्छा करते हुए। यहाँ पर इंजुमा होलक भाई एलिगेशन लगा रहे बॉल टेम्परिंग का ऑन रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया के ये T20 वर्ल्ड कप में अभी क्या कहानी है भाई, बिकॉज मसला मसले हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि चलो ठीक है इसको जाने देते, लेकिन भाई अभी फिर से काउंटर अटैक यहाँ पर इंजुमा होलक ने किया, और तो मैंने सोचा भाई अब तो भाई बात करनी पड़ेगी, बिकॉज अब तो भाई जो मैटर है वो सर के ऊपर चला गया है। आइए बात करेंगे एंड द टू क्वींस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, कल शानदार ये दोनों जन ने खेला, शफाली वर्मा एंड स्मृति मंदाना। और भाई स्मृति मंदाना के पास क्या हाथ में मैजिक है भाई, की हर मैच में 90-100 90-100 बना रही है। आइए बात करेंगे, तो पहले अपन ये जो है ना बोलते ना कि पड़ोसी जल रहे हैं ना, या तो पहले पहले से पड़ोसी को देख अच्छा नहीं लग रहा है, ये इंडिया अच्छे जीतने वाली है तो इंडिया ट्रॉफी जीतने वाली है, तो आइए बात करेंगे। तो जब भी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का मैच था तो अर्शदीप का थोड़ा रिवर्सिंग हो रहा था, ठीक है। तो भाई ने इंजमा उलग ने बोला कि यार अंपायर्स को अपनी आंख खोलनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन इतने इतने जल्दी रिवर्सिंग क्यों मिल रही है इंडिया। लेकिन इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा, उसने बोला नहीं कि भाई ना ये लोग बॉल टैंपरिंग कर रहे, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोल रहा था अंपायर्स को कि भाई अपनी आंख खोलो, अपनी आंख खोल के देखो कि भाई तुम्हारे ये जो है ना टीम इंडिया अर्शदीप ये लोग बॉल टैंपरिंग कर रहे, बिकॉज रिवर्सिंग हो कैसे सकता है। तो कैसा है कि इंडिया से इंग्लैंड का जो मैच था उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहित शर्मा की, तो उनको पूछा गया था कि उनको पूछा था कि भाई ये जो इन्होंने एलिगेशन आपके ऊपर लगाए तो आपका क्या कहना है। तो रोहित शर्मा ने यहाँ पर बोला कि इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन योर ब्रेन एंड यू नो टू सी इट इज ओपन सॉरी इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन योर ब्रेन एंड बोला कि टू अंडरस्टैंड द कंडीशन टू रिवर्स। तो भाई बोला कि भाई आपका दिमाग खोल के देखना पड़ता है कि भाई ना कि रिवर्स कौन से कंडीशन में होती है कौन से कंडीशन में नहीं होती, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मामला वहां पर ही ना ठीक हो जाएगा या तो समझ जाएगा, बट देन भाई इनके अंदर कीड़े इनको तो बात करनी, इनको तो बात का बबड़ बनाना है, तो बना दिया भाई। ये लोग बोलते हैं कि भाई ना ये क्या बोलता है कि रोहित डजंट नीड, ठीक है, रोहित शर्मा डजंट नीड टू एक्सप्लेन अस हाउ रिवर्स स्विंग हैपेंस, टीचर्स को सिखाने की जरूरत नहीं है। जी भाई वो बोलता है कि भाई रोहित शर्मा का ना कोई जरूरत नहीं है हमें सिखाने के कि भाई रिवर्स स्विंग कभी होता है और कभी नहीं होता है, क्योंकि ना टीचर्स को सिखाने की जरूरत नहीं। तो उनका असली का मैंने कहने का मतलब क्या है कि भाई है ना हम लोग टीचर्स है, ठीक है, हमने ये रिवर्सिंग के बादशाह है तो हम लोग को सिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। माना बादशाह भाई आपके जो है ना पुराने टाइम पे आपके रिवर्सिंग खतरनाक होता था, आई जेन्युइनली एग्री, ठीक है। बट अभी भाई तू रुक जाओ, बिकॉज तू जिस तरह से कमेंट कर रहा ना भाई, आप जिस तरह से कमेंट करते हो ना भाई, तो ऐसा साफ साफ दिखता है कि आपको हजम नहीं हो रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाली है। सिंपल सी बात है, मैं तो ये इसका यही मतलब निकालूंगा, आप लोग निकालते हो या नहीं निकालते हो मुझे नहीं पता, बट मैं तो ये इसका मतलब यही समझूंगा। बिकॉज कैसा है कि 2023 वर्ल्ड कप जो भी ओडिया हुआ था तो तभी भी इनके ऐसी फैंस या तो क्रिकेटर ने बोला था फॉर्मर क्रिकेटर कि भाई ये ना इंडिया के लिए पिच है ना भाई अलग बनती है, बॉल इनको अलग मिलता है, सब इनको अलग मिलता है, और ICC चाहता है या तो BCCI चाहता है कि इंडिया जीते, तो ऐसे हरकतें करते हैं। और वो भी मैं बोलूंगा कि जब भी आपकी टीम कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप देखते हो कि भाई लोगों के अपने जो पड़ोसी टीम अपनी जो राइवल टीम है उनको कैसे ऊपर उनके ऊपर तमाशा कैसे मारे, तो ये बस तो काम धंधा नहीं रहता, तो आ जाते भाई ऐसा कमेंट्स वगैरह करना है। बट अभी थोड़े ना गुडनेस के बारे बात करेंगे, स्मृति मंदाना एंड शेफाली वर्मा, वन ऑफ टेस्ट था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला दिन एंड 550 मार दिए भाई, 525 या 550 इन्होंने एक दिन में मार दिए। और मैं पहले से बता रहा हूँ स्कोर पे तो आऊंगा, इतने दोनों के ऊपर तो आऊंगा मैं, बट पहले से बता रहा हूँ ये वन साइड मैच जीतने वाली है अपनी इंडियन टीम, ठीक है। स्पिन खत्म, गेम ओवर, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं स्मृति मंदाना के ऊपर। जी हां दोस्तों, स्मृति मंदाना आप सबको पता है 3 मैच की सीरीज हुई थी जिसमें उन्होंने 200 मारे थे एंड लास्ट मैच में 90 पे आउट हो चुकी थी, तीसरा 100 होने आ रहा था। तो कैसा है कि चलो ठीक है साउथ अफ्रीका को लगा वो वनडे था और ये टेस्ट मैच था, तो टेस्ट मैच में क्या ही मारेगी भाई, टेस्ट मैच में थोड़ी ना फॉर्म वो लेके आएगी, नहीं भाई। स्मृति मंदाना ने बोला भाई मैं ऐसे नहीं हूं भाई, मैं फॉर्म तो लेके आऊंगी, और उसने 149 की इनिंग्स खेली एंड आप देख सकते कि भाई खतरनाक फॉर्म में है। लाइक बोलते ना भाई जिस चीज को टच करती है वो चीज है ना सोने में बदल जाती है, तो सेम स्मृति मंदाना के साथ हो रहा है, शानदार इनिंग्स खेली है। और आई गेस ये टेस्ट मैच में भी और अच्छा खेल लेती अगर 200 भी मार देती क्या पता, लेकिन वो आउट हो जाती है। लेकिन उनकी पार्टनर अगर बात करें शफाली वर्मा, और शफाली वर्मा तो आपको पता ही है भाई, यू नो धूम धड़ाका लाइक प्रॉपर सहवाग भाई, टक टक नहीं भाई, शी डजंट बिलीव इन टक टक, शी ओनली बिलीव इन 6-4। तो भाई मार देती है फास्टेस्ट, जी हाँ फास्टेस्ट 200 मार देती है इन वुमेन्स क्रिकेट, ठीक है, फास्टेस्ट 200 मार देती है इन वुमेन्स क्रिकेट, जिसमें 195 बॉल्स में शानदार खतरनाक स्ट्राइक रेट 200 मारी है, और लाइक खतरनाक भाई, इससे और क्या चाहिए भाई,
एंड टू एंड ये दोनों की 292 रन की पार्टनरशिप हुई थी। लाइक दोनों जन ने तबाह कर दिया। और आई गेस पूरा वन सेट जो पहले डे वन था ना पूरा इंडिया की तरफ कर लिया। तो द टू क्वींस आर शाइनिंग लाइक एनीथिंग भाई। तो भाई देख के अच्छा मजा आता है बिकॉज हम T20 वर्ल्ड कप में बिजी है, बट हमारी जो वुमेन्स है वो भी काफी अच्छा काम कर रही है। तो भाई डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन आपका क्या कहना है, और स्पेसिफिकली वो जो एलिगेशन भाई ने लगाया है इंजमाउला, तो जरूर बताना कि आपका क्या कहना है। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जो तो कप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। आज तो फाइनल भी है, होपफुली इंडिया ट्रॉफी लिफ्ट कर दे। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा।